हेलो एवरीवन, कुछ स्टूडेंट्स को क्वेश्चन में 13 के सॉल्यूशन में परेशानी आ रही थी कि उन्हें लग रहा था कि मैंने कहा था कि ये ब्लॉक जब छूटेगा इस सरफेस से तो इसके पास दो वेलोसिटी आएगा, एक वी इधर आएगा एक वी इधर आएगा। कुछ लोगों को ये समझने में परेशानी आ रही थी। अब ज़रा इस चीज़ को मैं प्रूफ करके आपको दिखाता हूँ कैसे होगा ऐसा। थोड़ा लॉजिक समझिएगा कि ऐसा सोचिए कि एक ऑब्जर्वर को हम लोग यहाँ पे फिट कर देते हैं, ठीक है, इस सरफेस पे फिट कर देते हैं। अब इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, चूँकि ये जो रॉड है वो इस तरफ वी स्पीड से जा रहा है, तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये स्मूथ सरफेस है, तो ये अब वी स्पीड से इसको दिखाई देगा। ये हॉरिजेंटल सरफेस पे लगा हुआ है, मतलब इस पे यहाँ पे जब ये पहुँच जाएगा तो इस पे mg वगैरह नहीं लगना है। ये मत सोचिएगा कि mg वगैरह इस तरफ लगेगा, ठीक है। इसका mg जो भी लगेगा वो इनटू द बोर्ड इस तरीके से लगेगा, है ना, क्योंकि ये एक टाइप का हॉरिजेंटल सरफेस पे रखा हुआ है। अब कॉन्सेप्ट समझिएगा, देखिए जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तो इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस तरफ लगेगा, ओके। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है इसके वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है, इसके स्पीड से परपेंडिकुलर है। इस कारण से ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कोई भी इसके स्पीड में चेंज नहीं ला पाएगा। मतलब ये जो वी है ये वी कॉन्स्टेंट रहेगा एक तरीके से, ठीक है, ये वी कॉन्स्टेंट रहेगा। किसके रिस्पेक्ट में? इस आदमी के रिस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ओके। तो अब देखिए जब ये कांस्टेंट रहेगा तो अब जरा सोचिए कि जब ये ब्लॉक इस पॉइंट पे 90 डिग्री पे जब ये यहाँ पे पहुँचेगा, जब ये यहाँ पे पहुँचेगा उस समय इस आदमी के रिस्पेक्ट में इसके पास वेलोसिटी वी परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। मतलब वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ये रॉड, इसको कह देते हैं वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू रॉड, दैट विल बी इक्वल्स टू वी जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉड, दैट इज इक्वल्स टू वी जे कैप। और वेलोसिटी ऑफ रॉड किधर है भाई? ये है माइनस वी आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रॉड प्लस वी जे, तो ये आ जाएगा माइनस वी आई प्लस वी जे, कुछ ऐसा आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक के यदि मैग्नीट्यूड को आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा रूट टू वी आ जाएगा। जो कि मैंने आपको बताया था। एक और तरीके से समझिए, मैं दूसरा मेथड से भी इस पॉइंट को बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है एक टाइप का स्लो कॉलिजन हो रहा है, एक ब्लॉक एक रॉड से टकरा रहा है और इसमें मोशन आ रहा है, और ये एक टाइप का स्लो कॉलिजन है, ठीक है। और इस स्लो कॉलिजन के कारण आपको पता होना चाहिए, जैसे कोई ब्लॉक है, ये बड़ा ब्लॉक है, उससे कोई छोटा ब्लॉक टकरा जाता है, कैपिटल एम मास का है, ये स्मॉल एम मास का है, ये वी स्पीड से जा रहा था और ये रेस्ट में था, ये जब टकरा जाता है तो इस ब्लॉक का जो वेलोसिटी है, एम मास का वेलोसिटी वी, इसका टू वी वेलोसिटी हो जाता है और ये कैपिटल एम वी स्पीड से ही चलता रहता है, कुछ ऐसा होता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर स्लो मोशन भी है, स्लो कॉलिजन भी है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में जब ये इससे टकराएगा, ये जो बड़ा सा सरफेस है इससे टकराएगा, तो इसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इस रॉड के वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन इस ब्लॉक के वेलोसिटी में चेंज आएगा। अब ब्लॉक के वेलोसिटी में चेंज ये आएगा कि इसके कारण इसको एक वेलोसिटी परपेंडिकुलर मिल जाए, क्योंकि कॉलिजन जो हो रहा है एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। जिस कारण से ये जो ब्लॉक है इस पे एक वेलोसिटी वी इधर एक वेलोसिटी वी इधर आ जाएगा जब वो सरफेस को छोड़ेगा, ठीक है।
तो इस तरीके से ये भी तरीका है, इससे आप समझ सकते हैं कि रूट टू भी वेलोसिटी हो जाएगा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को, ये जो कॉन्सेप्ट है, बहुत जगह पे बताया नहीं जाता, जिस कारण से स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। कोई बात नहीं, आप फर्स्ट मेथड से आप इस चीज़ को समझ जाएं, वो भी फ़ायदेमंद है।